बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। जश्न आज़ादी मुबारक हो। जश्न आज़ादी का दिन करीब है और इसी हवाले से मैं आपके लिए लाई हूँ एक स्पेशल रेसिपी, ग्रीन और वाइट स्वीट राइस की। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आप बहुत पसंद करेंगी। आइए रेसिपी को देखें। यहाँ एक देगची में एक किलो चावल के हिसाब से खुला पानी लेंगे। पानी में उबाल आने दें। मीठे चावल हमेशा सेला में ही अच्छे बनते हैं, तो यहाँ मैंने सेला चावल लिए हैं एक किलो। इनको तकरीबन 3 घंटे से भिगो के रख दिया है। भिगोने से पहले ठीक से इनको धो लेना है। ऊपर जो मैला पानी आता है उसे बिल्कुल साफ़ हो जाना चाहिए। पानी में उबाल आ चुका है, अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। नाइन्टी परसेंट कुक होने तक चावल पकाएंगे। चावल तकरीबन 90% तक कुक हो चुके हैं। अब हम चावल जो हैं वो छलनी में निकाल लेंगे। अब एक दूसरे बर्तन में शीरा तैयार करेंगे। इसके लिए हम लेंगे 2 ग्लास चीनी, तकरीबन 800 ग्राम हस्बे जायका चीनी। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 13 से 14 इसमें छोटी इलायची शामिल करेंगे। पानी इतना शामिल करेंगे कि चीनी उसमें सोख हो जाए, तकरीबन 1 ग्लास। 7 से 8 लौंगे, आधा बादियां का फूल, दालचीनी का 1 टुकड़ा, घी इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, आधा कप तकरीबन, 1 चम्मच कैवरा। 1 से 2 तार की चाशनी बनने तक हम इसे पकाएंगे। 1 तार की चाशनी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे खोपरा, हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत आप शामिल कर लें, किशमिश, अब इसमें से 1/2 हिस्सा हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ये जो 3/4 हिस्सा शीरा है इसमें हम ऐड करेंगे सब्ज़ रंग, मिक्स कर लेंगे। उबले हुए चावलों में से 3/4 चावल हम इसमें शामिल कर देंगे। मेरे चैनल पर जर्दे और मतंजन की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ मौजूद है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वो भी देख सकती हैं। 1/2 चावल इसमें शामिल कर देंगे वाइट। फ्लेम हाई करके हम इसमें जो मौजूद पानी जो है वो ड्राई कर लेंगे। पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब हम 8 से 10 मिनट के लिए चावलों को दम दे देंगे। इसी तरह वाइट चावल का ही पहले हम पानी खुश कर लेंगे और पानी जब खुश हो जाएगा तो हम इसे भी दम पे लगा देंगे। अब इस तरह रेक्टेंगल शेप में हम एक ट्रे ले लेंगे। 1/2 हिस्से में हम वाइट चावल डाल देंगे। 3/4 हिस्से में हम ग्रीन वाइट चावल जो है वो डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें टूटी फ्रूटी ऐड कर सकती हैं, मैंने इसे वाइट और ग्रीन ही रखना है इसलिए मैं टूटी फ्रूटी ऐड नहीं करूँगी। चाट बनाने के लिए हम इसमें इस तरह की एक कटोरी लेंगे और इस कटोरी के हाफ से हम स्टार्ट करेंगे और इस तरह नारियल का बुरादा या नारियल का पाउडर ले लें। अब सितारा बनाएंगे और इसके लिए पहले निशान लगा लें।
देखिए हलाल और सारा बन चुका है। 14 अगस्त के हवाले से ये रेसिपी यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।